बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, मैं इस वक्त लकीली एक ऐसी जगह खड़ा हूँ और मैं अपने आप की बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ अपने सुनने वाले। मैं इस वक्त वाइटली विंड फॉर्म जा रहा, यूके ना सब तो बड़ा लार्जेस्ट विंड फॉर्म है जिस वक्त मैं इस वक्त खड़ा हूँ। बड़ी अमेजिंग बात है और बड़ी हैरानकुन बात है जिसकी अगर ऐसा मजीद सुन के बयान कर सा कि ये वाइटली जड़ा विंड फॉर्म है, ये 215 टर्बाइंस इस पर इस वक्त नसब है और तकरीबन इतने लिखा है कि 15 किलोमीटर ने रेडियस सिटी लगी हैं सारिया। रोड नेटवर्क 130 किलोमीटर ने इसे बीच बनया और विंड फॉर्म जड़ा है ना इस स्कॉटिश पावर ने जेर इंतजाम ये विंड फॉर्म भी ऑपरेट भी हो रहा है। मजीद इस जी चीजा लिखी उन्होंने की मैं डिस्कस करने तो पहले ये दसना चाहना है कि एक असना विंड फॉर्म है उसने एक पर जड़ा है जिस तुम कही सकने हो कि वो एक इन्हें मॉडल ने तौर पर सामने लाया और ये बैकग्राउंड ने भी देखे हो कि पूरा जड़ा विंड फॉर्म है इसने अंदर जितने भी टर्बाइन लगे ऑपरेट हो रहे हैं 24 आवर पैदा बिजली पैदा कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि 3 लाख बिजली खराब हो रही है। अब मैं इतने अच्छी सोचने पै गया कि असा को नैचुरल सोर्स ना सब तू जो बेहतरीन बिजली पैदा करने ना सोर्स है वो साढ़े को पानी है, हाइड्रो इलैक्ट्रिक नजरिए अस बिजली पैदा करना जो नैचुरली बहुत सस्ता है और उस तो बाद जो पाकिस्तान ने अंदर अदरवाइज या दुनिया बिजली पैदा की जानी उसकी एटोमिक पावर्स है, जनरेटर ने जरिए बिजली पैदा की जानी और ये महंगे जराए असों को सस्ते जराए उसी पानी ने नाल नाल बेहतरीन जरिया साढ़े को आवाड़ है। और आजाद कश्मीर ने अंदर बिलखसूस वादिये लीपा, वादिये झलम और वादिये बना और इतनी वैलीज जिन्होंने अंदर चूंकि विंड डायरेक्शन के मुताबिक इन्हें बनाया जाना बड़ी सस्ती बिजली प्रोडक्शन और अस अपने एनर्जी क्राइसिस है उन्होंने खत्म कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अज मैं इतना आया अगर तो मैं इसकी इस एंगल देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड जनरेशन जी पाकिस्तान नहीं है उतने भी मैं इंशाल्लाह अपने लेवल पर इसकी डिस्कस कर सकता अपने फोरम पर भी, कश्मीर काउंसिल ने फोरम पर भी ये चीज़ में अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सारी मीटिंग होएगी इंशाल्लाह। असा ये कोशिश कर सकता कि इस मॉडल की उन्होंने नाल डिस्कस करा। दूसरा ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात होगी लेकिन इस तू अलावा प्राइवेट कंपनीज आके उत्थे मल्टीनेशनल कंपनीज आके हर तरह ना कम करने से तैयार हैं। अजकल वैसे भी पाकिस्तान ने अंदर प्राइवेटाइजेशन ना बड़ा गलगला है, आउटसोर्सिंग हो रही है, एयरपोर्ट्स नहीं, PIA नहीं, बिलखसूस प्राइवेटाइजेशन हो रही है बाकी चीज़ों में। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या बिजली पैदा करने वाले लोगों के भी ऐसा प्राइवेट लोगों ने हथे दें या मल्टीनेशनल कंपनी हथे देने या पाकिस्तान ने अंदर जो इन्वेस्टर इसकी कमी करा मैं सामना है कि ऐसा ने मुल्क ना बिजली ना बहुत बड़ा बुरान हल हो सकना। बात यह है मैं सामना है कि असा मेरा ख्याल है कि असा बेसिकली इनिशिएटिव ना लेने मगर ना ये चीज़ें जितना असा आके देखने ये आइडियाज बड़े ईजीली साढ़े मुल्क ने अंदर इंप्लीमेंट हो सकने। कश्मीर जन्नत नज़ीर इस तू तो बारहा और कितनी जगह बेहतर है। मसला क्या है? मसला है रोड एंड कम्युनिकेशन। दूसरा मसला है कि जो बारहा इन्वेस्टर है उस वास्ते मुल्क ने अंदरूनी हालात ने अंदर पीस ये वो चीज़ा ही जड़िया इन्वेस्टर की अट्रैक्ट करनी अगर ये चीज़ा मौजूद होवन इन्होंने चीज़ों की डिवेलप करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह अज़ीज इस बात ना उम्मीद और यकीन है कि असा भी वो वक्त देख सौ कि जो अस मुल्क भी खुशहाल हो सी और कम अज़ कम जरा एनर्जी क्राइसिस है इसकी अस ओवरकम करी सकने इन आइडियाज़ की इंप्लीमेंट करने से जड़े विंग्स हैं सोना उगलते विंग्स हैं। इस चक्कर नजरिए मुल्क की इंडस्ट्री चल रही है, इस मुल्क के जहाज चलने पे इस मुल्क की एग्रीकल्चर ना इन विंग्स ने ऊपर डिपेंड है। और मैं समझना है कि ऐसा काम अस आजाद कश्मीर ने अंदर और पाकिस्तान ने अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं छोटा जहा वीडियो नोट्स अपना इसीलिए छोड़ रहा कि मैं समझना कि ये बड़ी वैल्यूएबल बात से मेरे जहन चाहिए तो मैं उस शेयर की। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात।